प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा सप्ताह का आयोजन। जी हां, उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेंद्र तिवारी ने जेल रोड स्थित युवा कल्याण महानिदेशालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्वच्छता पखवाड़े के तहत आयोजित स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री का 17वां जन्मदिन पूरे देश में सेवा सप्ताह समाप्त के रूप में मनाया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आज युवा कल्याण के सभी सदस्यों ने स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। देखिए लखनऊ से राजप्रताप सिंह की रिपोर्ट। सुबह के 7 बजने वाले हैं, ये देख रहे हैं कि फसल यहाँ जहाँ खड़े हैं, यहाँ से लगभग पीछे भी देखिए फसल जगह जगह ये जानवरों द्वारा जो साड़ हैं वो चढ़े हैं। और एक किसान का लगभग जिस राम प्यारे पांडे जी के हम खेत में हैं और उनके घर के लोग यहाँ पे हैं, लगभग आप देख सकते हैं कि इनका लगभग यहाँ पे आधा बीघा मतलब 10-20 के आसपास यहाँ चढ़े हैं। और गाँव में लगभग सभी किसानों का इस गांव का हाल है, और इस गांव के साथ साथ बगल के गांव देख लीजिए, कम्हारी ले लीजिए आप, घुआस ले लीजिए, पकड़ी ले लीजिए और ममुआ लीजिए, मानपुर लीजिए, सभी गांव में लगभग इस तरह का गांव में हालात है कि गांव में जानवर जो छुट्टा चल रहे हैं वो धान बहुत तगड़े में धान की फसल चल रहे हैं। एक तो यूरिया की किल्लत है, पानी की दिक्कत है, उसके बाद भी जो अगर धान देख रहे हैं आप, पास में वीडियो लाइए, देखिए कि धान देखिए यहाँ पर तैयार फूट गया है और बगल का धान कुछ नहीं बचा है। आप इसे ये कहना चाहते हैं कि सरकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मेरा निवेदन है, किसानों का हित के लिए कुछ कार्य करें और इनके लिए मुआवजा की व्यवस्था करें। मुआवजे की मेरी मांग है, इन किसान की अगर 10 बिस्सा में एक किसान की अगर कम से कम 8 क्विंटल धान होगा तो 8 क्विंटल की कीमत अगर होती है 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, तो उसका पैसा उनको मिले, और नहीं मिलेगा तो इसके लिए किसान लामबंद होकर सरकार के लिए अपने मुआवजे अपने हक के लिए अधिकार के लिए मुख्यालय से लेकर और कलेक्टर तक आंदोलन करेंगे। कितने गांव में आप घूमे और कितने किसानों से मुलाकात हुई? लगभग किसानों से लगभग 100 के आसपास किसानों से मुलाकात हो चुकी है लगभग, और आसपास के गांव में आए दिन मैं घूमता रहता हूँ। ममुआ वगैरह था भी, उसका बुढ़र गया था, और इसके पहले अपने गांव मानपुर से मेरा गांव खुद पड़ता है जहां पे आए दिन किसान परेशान है। उसके बाद घुआस आपका हो गया, बिचपई हो गया, पुसौली हो गया, इन किसानों को इस आसपास क्षेत्रों में लगातार दौरा मेरा चल रहा है, लेकिन किसान पीड़ित है, परेशान है, इसको आंदोलन में बनाना चाहता हूँ। किसानों के मिलने के बाद क्या लगा है आपको, क्या सच्चाई है? किसानों से मिलने के बाद सच्चाई है कि किसान पीड़ित हैं। लेकिन सत्ता पक्ष तो कहता है कि हमने गौशाला की व्यवस्था कराई है, जिला प्रशासन भी इसको बहुत दावा करता है, तो क्या है इस पे? गौशाला की वो व्यवस्था कराए हैं, ये बात उनके वो अपने सफाई के लिए कह रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन जो ये चरा हुआ फसल है ये भी तो एक सबूत है। नहीं, वो तो है, ये सबूत है कि नहीं सरकार के लिए? वो गौशाला की व्यवस्था की है, लेकिन छुट्टा पशु देखिए सड़कों पर भी, राउटरगंज के नगरों में मैं डेली जाता हूँ, जहाँ पे सड़क के सब्जी मंडी में जाके देखिए आप कितने साड़ घूम रहे हैं। तो मैं निवेदन ही करूंगा जो छुट्टा पशु चर हैं उनको कहीं बंधित करें या उनकी व्यवस्था करें। तो फिर किसानों के लिए अब क्या करेंगे आप? किसानों के लिए इनके मुआवजे की मांग करेंगे, इनकी व्यवस्था की बात करेंगे।